भाई आज एक गलती हो गई मुझसे। गलती क्या हो गई, ठंड के मौसम में मैं अपनी जैकेट अपने होटल में भूल गया। यार क्या करूँ, इतनी ठंड लग रही है। ठंड लगते लगते हमने देखा दूध भंडार। भाई सर्दी में ना तीन चीज़ें हैं जो आपकी एक अंदर है ना, आपकी सर्दी को भगा देती है। एक तो है आपकी चाय, दूसरी है कॉफ़ी, और तीसरी है आपका दूध। हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध चलता है, तो हमने सोचा क्यों ना आ जाए दूध भंडार पर और इनका दूध ट्राई करें। चलिए आ जाइए, आपको दिखाते कैसा इनका दूध। भाई साहब इतनी बड़ी कढ़ाई है, अजीब मच गया ये तो। भैया आप सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद निकुब है। आनंद निकुब, तो ये कितना टाइम हो गया इस शॉप को? सर 75 ईयर। कितना? 75 साल। इस शॉप को 75 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बताए कि अपनी शॉप पे सिर्फ और सिर्फ दूध है और क्या क्या है? गरम दूध है, दही है, लस्सी है, मट्ठा है। अच्छा, दूध फीनी है। ओके, तो पनीर है। सबसे ज़्यादा पब्लिक को क्या पसंद है अपने दुकान? गरम दूध और दूध फीनी। हाँ, और गर्मी के अंदर लस्सी और मट्ठा, पंजाबी लस्सी होती है उसको मट्ठा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उसको मट्ठा बोलते हो आप। हाँ। ओके ठीक है, तो एक बात बताओ प्राइस क्या है अपना एक दूध का? तो अब छोटी ग्लास 20 रुपीज़। हाँ। नहीं 25, और बड़ी है 30। बड़ी का ग्लास 35 फीनी वाला। ये वाला अपना 200 ml है सर। ये 200 ml, ये बड़ा वाला है? ये छोटा है। बड़ा वाला 400 ml का है, 50 rupees प्राइस है उसकी। 60 rupees? 50 50 50। अच्छा, और एक बात बताओ अपनी शॉप की टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग सुबह 4 बजे, सुबह 5:30 बजे से लेके रात को 4 बजे तक का था पहले, बट लॉकडाउन के कारण अभी 8 बजे बंद हो जाता है। भैया सोते हो? नहीं सोते हो? सोते हैं ना सर। कब सोते हो? सुबह 4 बजे चलती है, मेरे ब्रदर वगैरह हम सब। अच्छा, मतलब टाइम पे सब मिलके आते हो ना? मैं थोड़ा सब देते रहते हैं, सब टाइम देते हैं मिलके। हाँ। अच्छा ठीक है, तो एक बार बताओ एक बारी में इसमें कितना दूध आ जाता है? 70 लीटर दूध आ जाता है एक बारी में। 70 लीटर? 40 लीटर आ जाता है, मगर हम 40 लीटर ही भरते हैं। अच्छा भरते हो 40 लीटर, लेकिन 70 लीटर जाता ताकि फैले वगैरह ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। भाई पब्लिक का रिव्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आ गए पब्लिक के बाद, उनसे पूछते हैं उनका रिव्यू। पहले भाई अपना नाम से शुरुआत करें। मेरा नाम पीरू खान है जी। पीरू खान। एंड भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र राम है। क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र, तो भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पे आने? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल, मतलब कभी कभी आके अपना ओकेजनली ट्राई जरूर करते हो आप? नाइट बिल्कुल आते हैं। बहुत अच्छा दूध है। अच्छा। और पीने के लिए बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ का मशहूर दूध है। ये मशहूर दूध है, तो एक बात बताओ कि अगर आप किसी को रिकमेंड करो, मतलब 10 में से चलो कितना स्टार देना चाहते हो? 10 में से इनको 10 ही दे रहे हैं यार। देखो बिल्कुल पूरा हम लोग बिल्कुल परमानेंटली आ रहे हैं, आज से नहीं आ रहे, तकरीबन 2 साल से आ रहे, 2-3 साल से। बहुत अच्छा दूध है, फेवरेट है। भैया आपका क्या स्टेटस है, इनका दूध कितना पसंद है 10 में से? सच पसंद क्या भाई साहब, हम निकल रहे थे उधर से जलामन से। हाँ। लेकिन इस दूध के लिए वहाँ से हम यहाँ आए हैं स्पेशली चला के आए हैं वहाँ से। अच्छा। कि भाई अपन को वहाँ चल के सुरांसी के दूध पीना, ठीक है ना। और 5-6 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। रात के टाइम हम आते हैं, दूध पी के वापस निकल जाते हैं। सिर्फ दूध और कुछ भी ट्राई किया है? हाँ, पीनी वगैरह भी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर दूध ही पसंद जी। चलिए धन्यवाद। ये देखिए भाई इस दुकान पे ये बताओ कौन आना चाहेगा? वो बंदा आना चाहेगा जो अपना मेहनती हो, दिन भर मेहनत करो, शाम को अपनी थकान उतारनी हो, एक दूध पियो, क्यों हेल्दी इतना है, गाय के बना हुआ है। चलिए आप लोगों को ट्राई करके बताता हूँ कैसा है, इसने मेरी थकान उतारी, मेरी सर्दी उतारी या नहीं उतारी। लाजवाब, या तो जोधपुर की मिट्टी में कुछ है, पता नहीं यार जो चीज़ का वही इतनी टेस्टी बन जाती है। कहीं चला लो, कुछ ट्राई कर लो, वो इतना लाजवाब दूध भी इतना शानदार हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था।
भाई जिनको मलाई नहीं पसंद वो मना कर दे भाई मलाई नहीं लेनी, ठीक है, जिनको मलाई पसंद है अपने मलाई खाओ। बढ़िया लाजवाब। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।